हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू रवीस क्लासेस एंड आज हम देखेंगे कि क्लास नाइन के सिलेबस में सीबीएसई ने सेशन uh, 2021-22 के लिए क्या चेंजेस किए हैं सो दिस इज़ कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ क्लास नाइन और यहाँ हम क्या देखते हैं कि कोर्स स्ट्रक्चर ऑफ क्लास नाइन इसे दो टर्म्स में डिवाइड कर दिया गया है टर्म वन एंड टर्म टू में एंड इस इन दोनों टर्म्स के वेटेज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं तो देखते हैं कि टर्म वन में कौन कौन से चैप्टर्स हैं टर्म वन में टर्म वन को थ्री यूनिट्स में डिवाइड किया गया है यूनिट वन टू थ्री में यूनिट वन कंप्राइज ऑफ मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर और ये केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स हैं तो चैप्टर टू दैट इज इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर यूनिट एंड इट कैरीज नाइन मार्क्स यूनिट टू इज़ ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड इसमें दो चैप्टर्स रखे गए हैं चैप्टर नंबर फाइव एंड चैप्टर नंबर सिक्स दैट इज सेल एंड टिश्यूज और इन दोनों के मार्क्स हैं एटीन मार्क्स यूनिट थ्री में मोशन फोर्स एंड वर्क जो फिजिक्स का पोर्शन आता है एंड दैट इज हैविंग चैप्टर नंबर एट एंड चैप्टर नंबर नाइन एंड दे कंप्राइजेस ऑफ थर्टीन मार्क्स सो इन दिस मैनर आप देखोगे कि ऑल द थ्री यूनिट्स कंप्राइजेस ऑफ फोर्टी मार्क्स नेक्स्ट इज टर्म टू टर्म टू इज ऑल्सो डिडेड इन टू थ्री यूनिट्स यूनिट वन टू थ्री में एंड इसमें हम देखेंगे कि मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर अगेन केमिस्ट्री का पोर्शन जो है इसमें चैप्टर नंबर थ्री एंड चैप्टर नंबर फोर को रखा गया है एंड इट कम्प्राइजेस ऑफ एटीन मार्क्स यूनिट टू कम्प्राइजेस ऑफ ऑर्गनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड बायोलॉजी का चैप्टर है एंड दैट इज चैप्टर नंबर थर्टीन विच कम्प्राइजेस ऑफ एट मार्क्स यूनिट थ्री इज मोशन फोर्स एंड वर्क जो फिजिक्स का पोर्शन है और इसमें चैप्टर नंबर टेन एंड चैप्टर नंबर इलेवन को रखा गया है एंड दैट कम्प्राइजेस ऑफ फोर्टीन मार्क्स सो अगेन ऑल द थ्री यूनिट्स मेक्स अप दी फोर्टी मार्क्स सो फोर्टी एंड फोर्टी मार्क्स के एडिशन में यहाँ पे एट्टी मार्क्स का थियोरी पेपर रखा गया है आपका

चैप्टर नंबर वन को हटा दिया गया है चैप्टर नंबर वन इज डिलीटेड फ्रॉम सिलेबस। एंड चैप्टर नंबर टू दैट इज ईज मैटर अराउंड अस प्योर इसमें ऑल द टॉपिक्स आर गिवन टू यू लाइक एलिमेंट्स कंपाउंड्स, मिक्सचर्स हेटरोजेनस एंड होमोजेनस मिक्सचर्स कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस यहाँ पर कोई भी टॉपिक और किसी भी टॉपिक को डिलीट नहीं किया गया है ऑल द टॉपिक्स आर प्रेजेंट यूनिट टू एंड दिस इज ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड मीन्स जो बायोलॉजी का पोर्शन है और इसमें चैप्टर नंबर फाइव को रखा गया है सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है और इसमें भी सभी टॉपिक्स हैं जैसे कि सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ प्रोकेरेटिक यूकैरेटिक सेल्स मल्टी सेलूर ऑर्गेनिजम्स सेल मेमरेन सेल वॉल्स सेल ऑर्गेन एंड सेल इक्लूजनस इसके अंदर क्लोरोप्लास माइट्रोकॉन्ड्रिया वैक्यूल्स एंडोप्लाजिकुलम गॉल्गीपैराटस न्यूक्लियस क्रोमोजोम्स बेसिक स्ट्रक्चर नंबर और इसके अंदर सेल डिजन भी इंक्लूड हो जाता है एज लास्ट टॉपिक सो यहाँ पर भी कोई भी डिलीशन नहीं है इन दी चैप्टर नंबर को भी इसी टर्म में इंक्लूड किया गया है दैट इज टिश्यूज टिश्यूज चैप्टर में भी देखोगे कि स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एंड प्लांट टिश्यूज और यहाँ पे चार टाइप के एनिमल टिश्यूज दिए हुए हैं अलॉन्ग विद यू हैव कॉट मेरी एंड परमानेंट टिश्यूज इन प्लांट्स देन यूनिट थ्री में आ जाता है मोशन फोर्स एंड वर्क दैट इज रिलेटेड टू फिजिक्स एंड इसमें दो चैप्टर्स हैं मोशन एंड मोशन वाले चैप्टर में भी अब कोई भी डिलीशन नहीं है ऑल द टॉपिक्स आर प्रेजेंट लाइक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विलासिटी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन लॉन्ग विद अ स्ट्रेट लाइन एक्सेरेशन डिस्टेंस टाइम ग्राफ विली टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्मली एक्सलेटेड मोशन डेवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बायोग्राफिकल मैथड है

आपको इवेलुएट किया जाएगा एम सी क्यूज और एसर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन के बेसिस पर नाउ लेट अस कम टू टर्म टू ऑफ दिस कैरिकुलम इसमें कि थ्री यूनिट्स हैं फर्स्ट यूनिट इज मैटर इट्स नेचर एंड बिहेवियर अगेन चैप्टर नंबर थ्री एंड फोर हैं यहाँ पर जो केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं चैप्टर नंबर थ्री इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जिसमें कि यू विल फाइंड

And yeah, per health and diseases, health and its failure, infectious and non infectious diseases, their causes, manifestations, disease caused by microbes and their prevention, principles of prevention and treatment, pulse polio program. So, again, there will be no deletion from the particular chapter. So, the complete chapter will be there in biology. In unit 3, which is related to motion, force, and work, that is, physics portion. चैप्टर नंबर टेन ग्रेविटेशन में देखा जाए तो यहाँ पर टॉपिक्स हैं ग्रेविटेशन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द अर्थ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मास एंड वेट एंड फ्री फॉल आर्किमिडीज प्रिंसिपल को डिलीट कर दिया गया है न चैप्टर नंबर एलेवन की बात करते हैं वर्क एनर्जी इन पावर एंड वर्क डन मा य फोर्स एनर्जी पावर कैनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी सो यहाँ पर देखेंगे कि कोई भी डिलीशन नहीं है सो दैट इज हाउ स्टूडेंट्स योर चैप्टर्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन दर्म वन एंड टर्म टू एंड टर्म टू विल बी इवेल्युएटेड ऑन द बेसिस ऑफ थियोरी पेपर विच विल कम्प्राइज ऑफ लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड ऑल्सो के स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ओके एंड अलॉन्ग विद डैट इंटरनल असेसमेंट के लिए भी एक चैप्टर को रखा गया है एंड दैट इज आवर चैप्टर नंबर फोर्टीन नेचुरल रिसोर्सेस जिसमें कि जो भी टॉपिक्स हैं वो इंटरनल असेसमेंट में ही असेस होंगे आपके इवेल्युशन में नहीं आएगा साथ में ही यू विल फाइंड दैट प्रैक्टिकल्स आर ऑल्सो लिस्टेड इन द डॉक्यूमेंट एंड तो ये आपके प्रैक्टिकल्स इंक्लूडेड होंगे आपके असेसमेंट में सो इंटरनल असेसमेंट में प्रैक्टिकल्स भी काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन ये आपका सिलेबस है इस साल के लिए एंड मेक श्योर दैट यू लर्न दिस Chapters very nicely because they are going to help you in the higher classes. So, if you like this content and you want this content, such content in my uh, upcoming videos, then uh, please subscribe the channel and share this channel. Thanks a lot for watching.